खंडन है सर, एकदम खंडन। मेरे ब्लॉग में भी समाज नाम की एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। उस समय उन्होंने शिक्षा के बारे में लिखा था, जबकि उस समय हमारे देश में उससे पहले शिक्षा अवस्था थी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ 1800 ईस्वी में मिशनरी विद्यालय आने शुरू हुए और 1850 के आसपास महात्मा ज्योतिबा राव फुले और श्रीमती सावित्री फुले जी ने 1851 में हमारे देश को पृथक विद्यालय देने का काम किया था। उसके बाद शिक्षा का पहिया धीरे धीरे आगे बढ़ने का काम हुआ। उन्होंने सत्यशोधक समाज को उस समय लिखा था कि एक विद्या कितने अनर्थ करती है। उन्होंने उसमें लिखा है, विद्या बिना गति की मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना बीत गया, और इतने सारे अनर्थ एक विद्या करती है। अगर विद्या नहीं है, अगर हमारा समाज शिक्षित नहीं है, तो बहुत सारी कुरीतियां, बहुत सारी बुराइयां हमारे के क्रम में टीचर रिक्रूटमेंट चल रहे हैं, टीचर ट्रेनिंग चल रही है, और उसी के उसमें ये प्रेरणा का मतलब रखा गया है। तो बच्चों से जब भी इंटरेक्ट करते हैं तो बड़ा अच्छा सा लगता है, एक नई एनर्जी होती है उन लोगों में। मैं भी अभी नया ही रिक्रूटेड हूँ आईएएस पे, सॉरी उससे पहले मैं भी एक स्टूडेंट था, तो काफी रिलेट करता हूँ बच्चों से। और आजकल यूपी गवर्नमेंट की अभ्युदय स्कीम भी चल रही है, उसमें भी कोचिंग बच्चों की चल रही है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, तो उसमें भी मेरा इंटरेक्शन रहता है। तो बच्चों से इंटरेक्ट करने में एक अलग ही ऊर्जा आती है आप लोगों में। आप कितने भी पुराने हो जाए, जब आप किसी स्कूल में जाए, प्राइमरी स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में, और बच्चों से इंटरेक्ट करें, तो आपको लगता है कि आप फिर से एक यूथ स्टेज में आ गए। तो यहाँ ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, बाकी ब्लॉक्स में भी हो रहा है। मेरी शुभकामनाएं सभी टीचर्स के लिए, अभिभावकों के लिए, और सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोविड के बाद जो चीजें फेस आउट हो गई है स्कूलिंग की वजह से बच्चों की, वो अच्छे से पूरी हो सकती है। तो वहाँ टीचर्स को भी एक रोल प्ले करना है, पेरेंट्स को भी रोल प्ले करना है, और जो एडमिशन है वो भी कम हुए हैं कोविड की वजह से, उनको बढ़ाना है, और जो बाकी सारी चीजें बच्चों से लेके जाए उनको वहाँ भी पूरा करना है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात फिनिश करता हूँ। मैं देखता हूँ उनके अगर चार बच्चे हैं, चारों के हाथ में 10,000 का मोबाइल तो दिख जाएगा, लेकिन 500 रुपए फीस देना उनके लिए भारी पड़ता है। भाइयों, ये सोच हमें बदलनी पड़ेगी, हमें समाज को जागरूक करना पड़ेगा। और उन लोगों को केवल हम दो उदाहरण दे रहे हैं आपको, उनको ये उदाहरण बताने पड़ेंगे। हमारे इस देश में जन्म, हमारे इस देश के प्रथम व्यक्ति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आप उनका उदाहरण दीजिए। इस देश में पैदा हुए, स्ट्रीट लाइफ के नीचे पढ़े, अपने हाथ से वसूले से और ना बनाने का काम अपने भाइयों के साथ करते थे, और स्ट्रीट लाइफ से पढ़ने के बाद इस देश के वो प्रथम वैज्ञानिक बने, मिसाइल मैन बने, और हमारे देश के सम्मानित राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे। केवल विद्या की बदौलत, केवल विद्या की बदौलत, और कोई ताकत नहीं थी जो उन्हें राष्ट्रपति तक पहुंचा देता। दूसरा उदाहरण हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने जिस तरीके के बचपन के बच्चे हमारे बैठे हैं, उनका नन्हा बचपन है, उसी उस उम्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने परिवार के साथ, पिताजी के साथ, भाइयों के साथ प्लेटफार्म पर चाय बेचने का काम किया, और शिक्षा की ओर